आप देख रहे हैं ई समाचार और मैं हूं एलडी स्वामी। इस वक्त मैं सिरसा शहर में हूं, जहां छत्तीसगढ़ से कई लोग जो है पूर्व विधायक हैं और पूर्व में कांग्रेस में रहे लोग यहां पहुंचे हैं और विभिन्न तख्तियां लेकर जो कि कुमारी शैलजा के खिलाफ एक तरह से भ्रष्टाचार के आरोप इन्होंने लगाए हैं। तख्तियों पर लिखा है ऐसा कोई सगा नहीं जिसने कुमारी शैलजा ने जिसको ठगा नहीं। और इसके अलावा उन्होंने कहा है कि सही को चुने, अशोक तंवर को चुने, और यहाँ उन्होंने पत्रकारों से भी बातचीत की, वो भी आपको सुनाएंगे। लेकिन फिलहाल बाजार में जो है छत्तीसगढ़ से आए हुए पूर्व के कांग्रेसी और कुछ विधायक वहाँ के, जिन्होंने छत्तीसगढ़ में कुमारी शैलजा पर प्रभारी रहते हुए उन्होंने कहा कि कई सारे घोटाले किए हैं, कई सारे उन्होंने वहाँ पर जो है गलत काम जो किए हैं, जिस वजह से कांग्रेस पार्टी जो है छत्तीसगढ़ में सत्ता से बाहर हुई, इसके लिए वो कुमारी शैलजा को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और यहाँ सिरसा शहर में रोस मार्च निकाल रहे हैं। बातचीत करते हैं, वो इस पूरे मामले को लेकर क्या कहते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज रोस मार्च निकाला गया है। हम माननीय अशोक तंवर जी के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं और शैलजा जी का जो भ्रष्टाचार छत्तीसगढ़ में संलिप्त रहा है उसके बारे में आज उजागर कर निकला है। और एक हम जितने लोग आए सब एक संदेशा देना चाहते हैं सभी सिरसा के मतदाताओं को कि आप ऐसा नेता चुनिए जो आप लोगों के साथ में रहे, ऐसा नेता नहीं जो छत्तीसगढ़ में जितने भी अवैध काम हुए उसको संरक्षण दे के लूट खसोट करके दोहन करके ये जो चुनाव लड़े, ऐसे नेता से दूर रहिए। छत्तीसगढ़ में बहुत सारे भ्रष्टाचार हुए हैं और ये माननीय शैलजा जी छत्तीसगढ़ की प्रभारी थी, जितने भी वहाँ घोटाले हुए जितने भी हुए सरकार के ऊपर कौन थी ये प्रभारी थी, इन्हीं के संरक्षण में सारा प्रकार का भ्रष्टाचार वह छत्तीसगढ़ में हुआ है। घोटालों का जिक्र करना चाहेंगे कुछ? बहुत सारे घोटाले, एक नहीं बहुत सारे घोटाले हैं और कांग्रेस के करीब 20 से 25 नेता आज जेल में हैं। आप पूरा देखिए हिंदुस्तान में कुछ IAS ऑफिसर भी जेल में है, वो छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ में आज तक इतिहास में कभी जितना घोटाला नहीं हुआ वो अभी छत्तीसगढ़ में हुआ है और वो भी माननीय शैलजा जी के प्रभार में आने के बाद। छत्तीसगढ़ पूरा बर्बाद कर चुकी है और हमारा यही निवेदन है क्षेत्रवासियों के से कि आप सोच समझ कर मतदान करें, क्योंकि आप उनको जनप्रतिनिधि के रूप में अगर चुनेंगे तो जैसे छत्तीसगढ़ का दोहन हुआ वैसे सिरसा लोकसभा का दोहन होगा। शिकायत दर्ज हुई है, उनका भी नाम है और अभी जांच चल रही है, जांच पूरी नहीं हुई है, जांच चल रही है। बड़े बड़े अधिकारी अंदर हुए वहाँ जेल में गए हैं और जितने कांग्रेसी नेता है सबके ऊपर केस चल रहा है, जांच चल रहा है। निश्चित रूप से आने वाला समय का ईडी का शिकंजा शैलजा जी के ऊपर भी आने वाला है। आप देख लीजिए ना हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार कहाँ हुआ, हिंदुस्तान में आप उठा उठा देख लीजिए, आज तक कोई भी IAS ऑफिसर कभी भी हिंदुस्तान के इतिहास में इतने सारे IAS ऑफिसर गिरफ्तार नहीं हुए जितने गिरफ्तार छत्तीसगढ़ में हुए हैं और सरकार के संरक्षण में हुए हैं। तो शैलजा जी पूरी तरीके से इसमें इनका संरक्षण प्राप्त रहा है, हम पूरा ये और ये भी उम्मीद करते हैं कि ईडी एक न एक दिन इनके ऊपर कार्रवाई करेगी। आपको ऐसा लगता है कि सिरसा के लोग उन्हें चुनने जा रहे हैं? अब सिरसा वही अपील करने आए, हम सब छत्तीसगढ़ के जितने हैं कि सिरसा से लोगों से अपील करने आए हैं कम से कम राष्ट्रहित में मतदान करें, भ्रष्टाचार लोगों को से दूर रहे और अच्छा सोच समझ के फैसला लें अशोक तंवर जी का मतदान करें उनके पक्ष में। अभी 2 विधायक हैं और जितने भी कांग्रेस के बड़े बड़े प्रदेश के पदाधिकारी हैं वो सब यहाँ उपस्थित हैं। अच्छा, कांग्रेस के हाईकमान से आपने बातचीत की कि जिस तरह के मामले हुए हैं शैलजा द्वारा करवाए गए, बहुत शिकायत हुआ, थोड़ा नहीं बहुत शिकायत, जिसके कारण 3-4 विधायक आज भी छत्तीसगढ़ में सस्पेंडेड है। इन लोग शिकायत किए थे तो उनका कांग्रेस के विधायक आज बर्खास्त कर दिया गया। हाईकमान में ऐसे कौन से पदाधिकारी थे जिनको आपने दरखास्त लगाई हो लेकिन कार्रवाई ना हुई हो? ऊपर तक के पूरी शिकायत हुई है और शैलजा जी सर्वे सर्वे थी ना वहाँ, शैलजा जी वहाँ सर्वे सर्वे थी, उसका हमारे नाम लेके बता दो, बृहस्पति सिंह जी, विनय जायसवाल जी, ऐसे बहुत सारे MLA हैं जो कांग्रेस के पुराने जिन्हें शिकायत किया उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। अब लोगों से क्या अपील करेंगे? लोगों से यही अपील करेंगे सोच समझ के अपना मतदान दें, अशोक तंवर जी को जिताएं, मोदी जी के